राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। श्रीमन्नारायण की 24 अवतार है। हाँ। उसमें 24वां अवतार कलयुग में कल्कि रूप में आएगा। हाँ। और उसके बाद श्रीमन्नारायण का एक और अवतार हुआ है, ओ नारद जी के रूप में भी लिया था ना। हाँ। और उसके और एक और प्रश्न था, आपके कथा में ही सुनी हूँ कि नारद जी दासी का पुत्र भी था। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि दासी का पुत्र भी है और श्रीमन नारायण के अवतार में भी लेकर आए थे। वो भगवान के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम संतति उत्पन्न करो, विवाह करके गृहस्थ आश्रम बसाओ। तो ब्रह्मा जी की बात मानने से नारद जी ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने गुस्से में कहा कि तुम पिता की बात नहीं मानते, जाओ शूद्र पुत्र हो जाओ, ऐसा श्राप दिया। तो उनके श्राप के पिता की श्राप को वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर अवतार लिया, मतलब जन्म लिया। जन्म क्या प्रकट हुए और उन्होंने सेवा की संतों की, और बाद में फिर वो ब्रह्मर्षि फिर ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। और एक और है महाराज जी, एक मंत्र आप बोलते हो हमेशा आरती के पहले, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपत्ये श्रीमते नारायणाय नमः। कोई संत है, आप बोले थे कोई संत है इस मंत्र का उच्चारण करते, इसका मतलब मुझे जानना है। मतलब श्रीमन नारायण चरणौ शरणम, इसमें जो शरणम है उसका ध्यान दीजिए। हे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण मतलब श्री मतलब लक्ष्मी के सहित नारायण। हे श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमते नारायणाय नमः, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार कीजिए, ये अर्थ है। हाँ, भगवान ये शरणागति मंत्र है। मैं ना महाराज जी पूजा करते समय हर दिन हर रोज इस मंत्र को बोलती हूँ। और एक और महाराज जी, आप ना मेरे सपने में आए थे, मैं आपका दर्शन भी की हूँ और मैं आपसे तुलसी माला मांगी भी थी, मगर मेरा नींद खुल गई तो आप दिए भी नहीं हो, तो मैं ले सकती हूँ क्या आपसे अभी? हाँ हाँ ले सकते। रुकना एक और सुनो ना महाराज जी, और मेरे सपने में ना एक और सांप ने मुझे काटा है मेरे पैर को, तो इसका मतलब क्या है? तो वह जो सांप ने काटा तो आप जिंदा थी कि मर गई थी? आप नींद खुल गई ये पता नहीं कि, मगर सांप तो काटे थे उसमें ना खून बह रहे थे ये जानती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि स्वप्न में खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। अच्छा। कई बार सपने में देखते ना हम मर गए, तो खुद की मृत्यु देखना इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है महाराज जी, मतलब मृत्यु की जो घटना होनी थी सच में वो स्वप्न में हो गई। ये मृत्यु का टलना है, मतलब आपकी मृत्यु टल गई, ये शुभ संकेत। इसलिए मैंने पूछा कि आपने अपने आप को मरा हुआ देखा क्या? खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन श्रीमन नारायण के चरणों में ही लगे रहे, और ना महाराज जी मैं ना वृंदावन जाने की मेरा इतना मन है कि भगवान मुझे कब बुलाएंगे पता नहीं। कि आप बुलाएंगे क्या? आ गए हम बुलाने आप लोगों को। आप बोलना भगवान से कि मुझ पर कृपा करे और वृंदावन जल्दी बुला ले मुझे। बुला ले, हम आए बुलाने आप लोगों को। अब ये बहाने ना बनाओ कि बुलाएं बुलाएं बुलाने। आशीर्वाद दीजिए श्रीमन नारायण। जय जय श्री राम। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे आपको।